नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्र सरकार के एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के निर्णय के बाद से जिले में गैस सिलेंडर विक्रेताओं के वितरकों ने उपभोक्ताओं की ई केवीसी अपडेट करना शुरू कर दिया। भाजपा ने चुनाव से पहले सिलेंडर 450 रुपये में देने का घोषणा किया था, अब इसे अमलीजामा पहनाने के लिए ई केवाईसी शुरू कर दिया है। अनूपगढ़ की सिद्धि विनायंस गैस एजेंसी पर इन दिनों रसोई गैस उपभोक्ताओं का जमावड़ा लंबी लंबी लाइनों के रूप में देखने को मिला है। आज सिद्धि विनायक एजेंसी पर उपभोक्ताओं की ई केवाईसी कराने के लिए लंबी कतारें लगी हैं और गैस एजेंसी के कर्मचारियों के द्वारा लगातार बेआईसी की जा रही है। अब तक करीब 4,500 उपभोक्ताओं के आईसी करवा चुके हैं, जबकि अनुग्रह क्षेत्र में लगभग 31,000 उपभोक्ताओं के पास रसोई गैस कनेक्शन है।